अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू वन मोर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6 बजे और मैं आ गई हूँ अपने टेरेस पे यहाँ, और इतना ज़्यादा खूबसूरत है ना सुबह सुबह अपना हमारा टेरेस, तो मैं क्या बताऊँ। और मेरे सामने पूरा का पूरा ग्रीनरी है और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है, तो सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज मैं इसलिए टेरेस पे आई क्योंकि आज मेरा डे काफ़ी हेक्टिक होने वाला है। मुझे पता है बहुत सारी चीज़ें मुझे बाहर से पिक करना है, उसके अलावा आज घर पे फाइनली मेरा एसी रिपेयर होने वाला है, मदरबोर्ड आ जाएगा एसी का, उसके साथ साथ वाटर प्यूरीफायर का भी आज ही काम होने वाला है, और उसके साथ साथ आज जाना भी है बाहर। तो बस हम लोग तो 3-4 दिन में हम लोग निकलने वाले हैं, तो सारे पिकल्स वगैरह पिक करना है बाहर से, क्योंकि यहीं से मैं लेकर जाती हूँ जब भी मैं घर जाती हूँ ना, यहीं से मैं पिक करके जाती हूँ पिकल्स वगैरह। तो माशाल्लाह से हो गया अभी सनराइज, तो बस इसी के लिए मैं आई हूँ ऊपर। और यहाँ पर इतने सारे पैरट्स भी है ना, आप अब दूर से फॉग भी देख सकते हो कितना खूबसूरत से दिख रहा है, दूर दूर के पहाड़ और सब कुछ। तो उधर का भी एक बार बताती हूँ, तो काफी खूबसूरत सा लोकेशन है उधर भी। सो गाइस, टेरेस से नीचे आने के बाद मैंने नाश्ता ऑर्डर कर लिया है बाहर से, और ये काकीनाडे का फेमस शिला है। दिखने में काफ़ी छोटा है जैसे हाथ का साइज, लेकिन टेस्ट में बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी स्पॉन्जी टाइप है। तो अगर आप काकीनाडे से हो तो डेफिनेटली ये वाला चिले को ट्राई करना, और मैं कहीं पर भी जाती हूँ ना वहाँ का लोकल फूड डेफिनेटली ट्राई करती हूँ। तो गाइस, ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग आ गए हैं बाहर, और यहाँ पर मैं पिकल्स लेती हूँ, हमेशा मैं यहीं से लेती हूँ, और काफ़ी टेस्टी भी होते हैं यहाँ के पिकल्स, जैसे हमारे घर पे दादी और नानी बनाते हैं ना, सेम वाला वही वाला टेस्ट आता है। तो काकीनाडे का फेमस पिकल स्टोर है श्री रुचि बोल के। सो गाइज, यहाँ पर मैं मैंगो पिकल ले रही हूँ, और 2 किलोज़ का पिकल मैं ले रही हूँ, लेकिन इसका जो पैकिंग है ना, हाफ ऑफ किलो मैं यहाँ पर करवा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं 2 किलोज़ का पिकल एक ही बार में मैं यूज़ करूँ तो उसका जो ऑयल है जल्दी हो जाएगा, इसलिए हाफ किलो पैक्स में 4 ले रही हूँ, ठीक है। उसके साथ साथ अदरक का पिकल भी मैंने लिया है, और ये जो छोटे छोटे स्वीट्स है मुझे वो ज़्यादा पसंद है, कभी कभार मैं खा लेती हूँ, स्पेशली ट्रैवलिंग में अच्छा लगता है। और मेरे नाइबर्स के लिए भी मैं ले रही हूँ, और भैया के फ्रेंड्स के लिए, जिसको भी अचार सब कुछ चाहिए, यहाँ का अचार बहुत फेमस है, इसलिए सबके लिए यहाँ पर मैं पैक करवा रही हूँ। सो गाइस, फाइनली अचार और पापड़ सब कुछ हम लोग ने ले लिया है, तो बस अभी थोड़ा जल्दी घर जाना है, घर पे थोड़ा सा काम है, आप लोगों को मैं घर जाने के बाद बताऊंगी। गाइस, आज तो इतना ज़्यादा कड़क धूप निकला है ना, सच में प्यास भी लग रही थी, और पता नहीं यार इतना ज़्यादा गर्मी क्यों है। तो यहाँ पर हम लोग पी रहे शुगर केन का जूस, उसके बाद हम लोग आ गए वापस घर। घर आते ही इतना ज़्यादा काम था ना, तो बताना ये भूल गई कि आप लोग से मैं ये वाला बेड जो है मेरा बचपन का है, मान लो कि मेरे स्कूलिंग के टाइम का, ठीक है। और ये बेड का जो कलर है ना, क्रीम एंड ब्राउन कॉम्बिनेशन का, मेरा फेवरेट है, और मैंने काफ़ी नीटली मैंने यूज़ किया है इसको, बिल्कुल कुछ डैमेज वैमेज नहीं है, और क्रिस्टल ब्रांड का कुछ बेड था उस टाइम पे हम लोग ने लिया है, तो काफ़ी अटैच्ड है उस वाले बेड से, क्योंकि बचपन का बेड है ऑब्वियसली होता है। अम्मी और भैया जल्दी में शिफ्ट होने वाले हैं यहाँ से, तो जो भी घर का जो सामान है हम लोग अपने अपने रिलेटिव्स को एक एक करके दे रहे हैं, जिसको भी यूज़फुल होगा तो वो लोग यूज़ कर लेंगे, तो काफ़ी अच्छे कंडीशन में था। तो बस छोटा सा मेमोरी के लिए यहाँ पर मैं वीडियो बना रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं वो लोग को दे रही हूँ, बल्कि यहाँ पर वीडियो ऐसा नहीं बना रही हूँ, बस छोटा सा मेमोरी के लिए मैंने यहाँ पर वीडियो लिया है। तो गाइस, सारे काम करते करते टाइम तो ऑलमोस्ट 3 बज गया था, तो आज सब्जी कुछ भी नहीं बनाए हम लोग घर पे,
तो बस जो अचार हम लोग लेके आए थे उसी के साथ आज का लंच हो रहा है। मगर हम खाने में थोड़ा सा घी और अचार के साथ खाओ ना तो सच में बहुत टेस्टी होता है यार, बिरयानी से भी ज्यादा। तो जब भी घर में मैं सब्जी नहीं बनाती ना बस मैं अचार से खाना बहुत पसंद करती हूँ, काफी सिंपल है। सो गाइस, जैसे कि मेरा लंच कंप्लीट हुआ, एसी टेक्नीशियन भी आ गए हैं। मैंने बताया था ना कि एसी का मदरबोर्ड का इश्यू है बोल के, तो टेक्नीशियन नया मदरबोर्ड लेके आ गए। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि जो पुराना मदरबोर्ड है ना उससे भी बड़ा वाला लेके आ गए, तो फिट नहीं हो पा रहा यहाँ पर। तो टेक्नीशियन ने कहा दोबारा से वो ऑर्डर रख देंगे तो प्रॉपर साइज आ जाएगा। तो देखते जब तक अगर हम लोग यहाँ पर रहेंगे तो मैं करवा लूँगी, अगर नहीं है तो मैं दोबारा फिर कभी आऊँगी ना तब उस टाइम पर करवा लूँगी, कोई बात नहीं। तो ये काफ़ी बड़ा वाला मदरबोर्ड है, शायद दूसरा एसी को फिट होगा। एसी के जो भी डिस्प्ले पार्ट्स ओपन करके रखे थे सब कुछ फिट करके जा रहे हैं यहाँ पर टेक्नीशियन। तो दोबारा कभी आएंगे ना फिर मदरबोर्ड लगा देंगे। तो यहाँ पर वाटर प्यूरीफायर के टेक्नीशियन भी आ गए उसके बाद। तो सारे के सारे फिल्टर्स मैंने ऑर्डर कर दिया है, जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में बताया सारे के सारे फिल्टर्स ब्लॉक हो गए हैं तो पानी नहीं आ रहा था, तो बस नए फिल्टर्स अभी लगवा रही हूँ मैं। तो शायद 1.5 साल तक आराम से चलेगा। तो नॉर्मल फिल्टर जो होता है वो वाला फिल्टर ना 4 मंथ्स में एक बार चेंज करना पड़ेगा, जो मेन फिल्टर से 1.5 साल तक आराम से चलेगा। तो 1 ईयर का मैंने AMC करवा लिया है तो वो फ्री में हो जाएगा। तो काफ़ी खुश हूँ क्योंकि पानी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा था जब से मैं यहाँ पर आई हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला फ़िल्टर 4 मंथ्स को एक बार चेंज करेंगे, फ्री में हो जाएगा 3 से 4 बार क्योंकि मैंने AMC करवाया है ना। तो बस इस वाले छोटे से व्लॉग के ही पर मैं एंड कर रही हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।